हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्ता हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्ता हमारा है। My name is Bhagat Singh, the proud son of Mother India. I shook the British Empire by exploding two bombs at Central Assembly. If the deaf are to hear, the sound has to be very loud. Zindagi to apne dam pe ji jati hai. Dusron ke to kaanon pe to sirf janaze uthaye jate hain. Mera rang de basanti chola. मेरे रंग दे बसंती चोला ओ माए रंग दे बसंती चोला। जय हिंद। मैं हूँ झांसी की रानी, मेरा नाम लक्ष्मीबाई, ये धरती मेरी माँ है, इस पर मेरे खून का हर कतरा कुर्बान है। मैं भी सुराजी के हर शब्द को पूरा करूँगी। हर महादेव हर महादेव, बस रंगी बा बस रंगी बा। तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सब का, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर न आए। भारत माता की जय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद। भारत माता की जय। तो आपने देखा हमारे बाल वीरों का देशभक्ति का जोश और जज्बा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता सामोता ने रूस की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराया है। माउंट एल्ब्रुस यूरोपीय संघ की भी सबसे ऊंची चोटी है। गीता सामोता ऐसा कारनामा करने वाली केंद्रीय सुरक्षा पुलिस बल की पहली पुलिस जवान है। और असम से एक अच्छी खबर है। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन उल्फा आई ने इस साल मई में घोषित एकतरफा संघर्ष विराम को शनिवार को अगले 3 महीने के लिए बढ़ाने की घोषणा की, क्योंकि राज्य में कोविड-19 की स्थिति में सुधार होना अभी बाकी है। उल्फा आई के कमांडर इन चीफ परेश बरुआ ने अपने ईमेल में कहा कि संगठन ने 15 मई को संघर्ष विराम की घोषणा की थी और उसने अगले 3 महीने के लिए अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के अभियान से दूर रहने का फैसला किया है, क्योंकि लोग महामारी के कारण मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने उल्फा के फैसले की सराहना करते हुए उनसे मुख्यधारा में लौटने की अपील की है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 1380 पुलिसकर्मियों को पदक प्रदान किए जाएंगे। अमरदीप और दिवंगत सुनील दत्तात्रेय काले को वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक दिया गया है। 628 वीरता पदक प्राप्त करने वाले पुलिसकर्मियों में 398 ने जम्मू कश्मीर क्षेत्र में, 155 ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में और 27 पुलिसकर्मियों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में वीरता का प्रदर्शन किया। वीरता पुरस्कार पाने वालों में 256 जम्मू कश्मीर पुलिस से, 151 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से, 23
भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल से हैं। देश के चार और वेटलैंड्स को रामसर साइट के रूप में चुना गया है। इनमें गुजरात के थोल और वधवाना, हरियाणा के गुरुग्राम के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और झज्जर के भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया है। देश में अब संरक्षित रामसर स्थलों की संख्या 46 हो गई है। रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स हैं, जिन्हें रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड 1971 के मानदंडों के तहत नामित किया गया है। रामसर का दर्जा दिए जाने के बाद इनका बेहतर रखरखाव और कानूनी सुरक्षा बढ़ जाएगी। वेटलैंड्स के संरक्षण से इनमें पाई जाने वाली वनस्पतियों के साथ साथ जलीय जंतुओं को भी संरक्षित किया जाता है। और अब बात कोविड के खिलाफ जारी जंग की। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 38,667 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 35,743 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हुए हैं। इस तरह अब तक कुल 3,13,38,088 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं और इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.46% हो चुकी है। इस समय देश में सक्रिय मामले 3,87,637 हैं। देश में कोरोना संक्रमण की जांच क्षमता में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि देश भर में 13 अगस्त तक कुल 49,17,00,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया, जिनमें 13 अगस्त को 22,29,798 नमूनों की जांच की गई। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 53,61,89,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 63,80,937 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कोविड आपात राहत और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी चरण 2 पैकेज की 35